यशोमती मैया के नंदलाला। यदि मेरे और लल्ला का रंग अलग अलग है तो हम मैया और लल्ला ना हो सकते। इसका अर्थ है कि मैं सच्ची में आपका ही लल्ला हूँ। किसी को कोई संदेह है कि हम मैया लल्ला ना है? कोई संदेह है? नहीं नहीं छोटी माँ, मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ परिहास कर रहा था। तन्हा, तू सदैव मेरा ही लल्ला था, मेरा ही लल्ला है और मेरा ही लल्ला रहेगो। समझ आई? क्षमा कर दो काना, जब तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने क्रोध में उल्टा सीधा बोल दिया। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम फिर से बनाने लगो, फिर से बन जाओ अपनी गोपालक टोली के मुखिया। आ गया तू दुर्जन, प्रहरियों आओ और इस बालक को बंदी गृह में डाल दो। सचेत होइए महाराज। वो विष्णु अवतार कहाँ है? वो बालक कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो आपके मस्तिष्क में है। उसे अपने साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए महाराज। वो यही है, मैंने देखा है उसे। स्वयं को संभालिए महाराज, आपको भयभीत होने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं को भूल चुके हैं महाराज। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने पिता को भी कारागार में बंद करवा दिया था और उनसे सिंहासन का अधिकार छीन लिया था। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वर्षों से अपनी प्रिय बहन और बहनोई को बंदी बनाकर रखा है। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने कितने ही भांजों को अपने ही हाथों से यमलोक पहुंचा दिया है ताकि आपका शत्रु ना पनप सके। ये समय भयभीत होने का नहीं है महाराज, पर यदि आपके मन में ये संशय ऐसे ही बना रहा तो मैं आपको भी आपके पिताजी के साथ कारागार में बंदी बना दूंगी और उस विष्णु अवतार का सामना मैं स्वयं करूंगी। राजद्रोह का परिणाम जानती हो ना महारानी? यही यही क्रोध उसे दिखाइएगा महाराज। किसी ऐसे योद्धा को ढूंढ के लाइए
जो उसका वध कर सके। और हाँ, किसी ऐसे योद्धा को खोज कर लाइए जो अब तक भेजे गए हर योद्धा से शक्तिशाली हो। यदि आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकती हूँ महाराज। ये लो काना। ना, अब ये दायित्व आप ही संभालो। फिर तो मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। अपना सारा समय बस इन्हीं के साथ ही बिताना चाहता हूँ मैं। पर तू दोनों कार्य कर सकता है काना। दिन में हमारे संग रह ले और शेष बचा सारा समय काके के संग बिता ले। पिछले दिनों में कितना सीखा है हम सब ने, पर तुम वरना आकर ये सुनहरा अवसर गवा रहे हो काना। हाँ काना, मैंने लव साधना सीख लिया है। बिल्कुल सदित बेट तो है मेरा लव भेद। बहुत अच्छा लग शादू है। तूने देखा क्या ना, मैंने गैयाओं के साथ बात करना सीख लियो है। ये देख क्या ना, देखा मैंने भी लाठी चलाना सीख लियो है। अब मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ। मैंने भी सीख लियो कि गैया की गिनती कैसे की जाती है। वो देखो, बलराम शक्तिशाली होने का अभ्यास कर रहे हैं। मैं तुम सबके लिए बात प्रसन्न हूँ। बस मुझे तो अपनी मैया के साथ ही रहना है। और हाँ सखाओ, दाऊ को बता दो मुझे इनसे बात ना करनी। चलो घर। मुझे इनसे बात ना करनी। रोहिणी जी जी, बलराम क्या होगो, इतना दुखी क्यों है?
बलराम क्या होगो? छोटे बाबा इतने दिन हो गए, कान्हा हमारे साथ आ ही नहीं रहा। लगता है मुझसे क्रोधित है, क्योंकि क्रोध में मैंने उसे कह दिया था कि वो आपका और छोटी माँ का पुत्र नहीं है। विंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों क्या इस समय? आपने तो गौचारण के लिए आना ही छोड़ दिया है प्रभु। हम सबको आपकी स्मृति बहुत सताती है। वृक्ष, वनस्पतियाँ, फूल, फल, पत्ते सभी आपको स्मरण करते हैं गोपाल। आप फिर से वन आना आरंभ कर दीजिए श्री कृष्णा, हमें अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। आपने तो मुझे वचन भी दिया था ना प्रभु, कि मैं आपके लीलाओं की साक्षी बनूंगी। फिर मुझसे ये सौभाग्य क्यों छिन गया? आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं आप वन? उठ जाएंगी, वैसे भी उन्हें आज अच्छी नींद नहीं आ रही है। पर एक बार तो कह दीजिए प्रभु, आप फिर से आना आरंभ कर देंगे। अपनी लीलाओं के लिए, अपने दर्शनों के लिए हमसे अनंत प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे आप? मैं अवश्य आऊंगा। कृपया अभी आप सब जाइए, मैया जागने वाली है। जे, कब तक अपनी मैया का पल्लू थामे रहेगा? नाना, मैं इसके विकास में बाधा ना बनूंगी। कल से ही इसे गौचारण के लिए भेजूंगी मैं। मैं तो कहता हूं इससे उत्तम मूल्य यहां तो क्या पूरे मथुरा में नहीं मिलेगा। सुबह सुबह का समय है, व्यापार कर लो मेरे साथ। व्यापारी जी, हमें मथुरा के व्यापारी पे भरोसा ना है, तो हमें तो क्षमा करो। बड़ा आयो हमसे व्यापार करने वाला है। मेरे साथ व्यापार ही नहीं किया मूर्खों ने, उन्हें पता ही नहीं मैं मथुरा का जाना माना सेठ हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना पूरा जनपद मुझे धनिया सेठ के नाम से जानता है। धनिया सेठ? तुझे कछु चाहिए ना? एक बार सोच ले काना। ओ मैया, सुबह उठते ही तो आपने मुझे दूध दिया था, फिर जलपान में लड्डू, फिर माखन भी तू खिलाया था, और ये फल कछु ना चाहिए अब मुझे? एक बार फिर से सोच ले काना, आज तू जो मांगेगो ना मैया देगी, और मैं कोई प्रश्न भी ना पूछूंगी। मेरी प्यारी मैया, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती हो। अच्छा अच्छा, मेरो प्यारो लल्ला, मेरो प्यारो लल्ला। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। नटखट,
मैया की नकल उतार दो है। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मुझे मैया से बहुत सारा लाड दुलार चाहिए। मुझे मैया से बहुत सारा लाड दुलार चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। ठीक है तो दे दी। सच्ची मैया? काना चलो ना। चल। रुक 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 रुक, अभी आई। अब जा। आज तो जाना ही पड़ेगा। कंस मामा ने अतिथि जो भेजा है वृंदावन में। अरे व्यापारी जी, फिर आ गए तुम? हाँ, हमने तुमसे कहा हमें तुम्हारे साथ व्यापार ना करनो है तो फिर ना करनो है। बार बार आप स्वयं भी तंग हो रहे हो और हमें भी तंग कर रहे हो। आपको चाहिए क्या बताओगे? नंद भवन। हाँ? नंद भवन? बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि नंद भवन कहाँ है। सोचा इस गांव में आया हूँ तो नंदराज से मिल लूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम फिर सीधे जाओ और सीधे जाके उल्टे मुड़ जाना और फिर आगे से दाहिने दिशा में मुड़ जाना। जहाँ मार्ग समाप्त होगो वहीं सामने मिल जाएगो तुम्हें नंद भवन। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सुनो, पर इस समय नंद जी घर पे ना है। मुझे तो उनके प्यारे पुत्र से मिलना है। लल्ला से भला क्यों मिलना है? सच्ची सच्ची बताओ, कौन हो तुम? सच बताऊं? हाँ बताओ। हम वृंदावन वाले हैं, ना तो असत्य बोलना प्रिय है ना सुनना। कछु तो गड़बड़ है तुम्हारे व्यवहार में। स्वयं बताओगे या हम बुलवाएं? अब सत्य ही सुनना चाहते हो तो सुन लो, मैं हूं मायावी छलिया। छलिया और तुम? तनिक अपना मुख तो देखो, छलिया ऐसा दिखतो है का? तो कैसो दिखतो है? जैसो भी दिखतो है, लेकिन ऐसो ना दिखतो। भानु, मैंने एक बात सुनो है कि चलते बीच मार्ग में अगर कोई छलिया मिल जाए तो उसे पीछे पलट के ना देखना चाहिए। ना तो छलिया के जाल में फंसने में क्षण भर भी समय ना लगतो है। सही सुना। अब पीछे से तुम दोनों का नाम पुकारूं तो मुड़ना मत। चल बंसी चल, नहीं तो ये छलिया जी हंसा हंसा के प्राण निकाल देगो। भानु, बंसी। Ha 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 ha
अद्भुत प्रभु, अब तो आपकी धुन पर पहाड़ियां भी पिघलने लगी। गलने लगी है, प्रभु मुरली बजाने में खो गए हैं और उनके साथ ही खो गए हैं सभी सुन्ने मनुष्यों, पशु पक्षियों और देवताओं के ही नहीं, जड़ चेतन किसी के लिए को रोक पाना संभव नहीं होगा। कहीं प्रभु की इस मनमोहक मुरली की धुन पर सारा ब्रह्मांड ही ना पिघल जाए। गाना इच्छा है ऐसी चिन्ह मेरे हर भक्त के हृदय पर हो। आपके पद चिन्ह तो सदैव से ही आपके भक्तों के हृदय पर छपे हुए हैं प्रभु, पर इस पहाड़ी ने भी अब इसे अपने मन में बसा लिया है, तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। कान्हा, तो हमारे पास से वहां कैसे चले गए? हमें तो पता भी ना चलो। मैं कहीं ना गया था उज्जवल, और ना ही कहीं जाऊंगा, सदैव यही रहूंगा मैं तुम सबके पास, तुम सबके मन में। हर एक कोई असुर मुझे तुम सबसे दूर ले जाने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। ले ही कितनी भी लीला क्यों न रच ले वो, आज उस छलिया कहलाने वाले विष्णु का सामना सच्चे छलिया से होगा। काना, तू कहाँ भटक गयो? तो नहीं सखा, मैं तो भटके हुए वो मार्ग दिखा रहा था। फिर से कहीं मत चले जाइयो, बहुत कठिनाई से फिर से तेरा साथ मिलो है हमें।
कान्हा तो इतने दिन बाद आए हो है, आज हम केवल गैया ना चराएंगे, कछु आनंद भी लेंगे आज। किसो आनंद? मैंने मारा और गैया सरा के वह दूल्हे से पहले ही सीधे सीधे सब घर चलो। वैसे भी वन में बहुत भय लगता है मुझे। किस बात का भय? इतनी शीघ्र बोल गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो उस ससुर ने और देवता में कितने विसर युद्ध हुआ था। हाँ, हम शीघ्र घर जाएंगे। अरे वसंता, वो युद्ध ना था, सब बड़े बड़े देवता हमारे सखा काना को बचाने आए थे। तू ही सोच, जिसकी रक्षा सारे भगवान मिलके एक साथ करते हैं, वो काना हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय? वो काना हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय? तुम सब पे कौन सी बात लेकर बैठ गए हो? ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? चोर प्रहरी खेले। चोर प्रहरी? हाँ, इस पे एक जन प्रहरी बनते हैं और शेष बनते हैं सब चोर। और चोर को कार्य होगा भागना और छुपना, और प्रहरी का कार्य होगा चोर को पकड़ लेना। अरे वाह काना, क्या खेल बतायो है, इसमें तो बहुत आनंद आएगा। ये खेल भले ही तुम सब खेलोगे बालकों, पर आनंद तो मैं ही लूंगा। जेसिका, छलिया, मायावी छलिया। छलिया तो बहुत भयानक होता है, तुम्हारे जैसा थोड़ी दिखता है। हाँ। मुझे मूर्ख समझते हो तुम, 100-100 छलियाएं देखे हैं मैंने। हाँ। पर मैं उनसे ना घबराता हूँ, उनको मुझसे भय लगता है। हाँ? सच? और नहीं तो क्या, मैं हुई इतना अनोखा, इतना वीर। तुम्हें विश्वास ना हो रहा है तो चलो मेरे सखाओं से पूछ लो। वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो उज्जवल। सौ छलिए देखे हैं इसने। किसे देख रही हूँ काना? उज्जवल को। कहाँ चले गया वो? चिंता मत करो काना, उज्जवल यहीं का ही होगा, आ जाएगो। क्या हो गया काना? तूने कही थी ना कि हम चोर प्रहरी खेलेंगे, तो खेल क्यों ना रहो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे तुम कहाँ रह गए थे?
वो ये देखो ना मुझे क्या मिला, सिक्का। दीदी दिखा दिखा। नाना ऐसे ना, जे सिक्का मैं उछालूंगो और जिसके हाथ में आया वो बनेगा प्रहरी और अन्य सब चोर। शिकार है, शिकार है। जिसके सामने माया जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है, ये मायाधर विष्णु है ये। अच्छा तो होते रहे, मैं तो इनकी हत्या करने आया हूँ और हत्या करके ही जाऊंगा। जाओ आप सखाओं को बचाओ, मैं इनका सामना कर लूंगा। पर काना अभी आप ही ने तो कहा था माया का स्वामी हूँ मैं। ये तो मथुरा का व्यापारी है, इसको अर्थ वो जो था वो सच में छलिया हो तो कहीं वो नंदमोहन तो ना पहुंच गओ। हमें शीघ्र ही गांव जानो पड़ेगो और सबको सावधान करना पड़ेगो। चल यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे छल के वार से बच गए हो तो मुझसे भी बच जाओगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कृष्ण। मेरे पास बहुत सारे मायावी अस्त्र हैं जो क्षण भर में ही तुम्हें विष्णु लोक पहुंचा देंगे। फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? बालक मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है, अभी तो कह रहा हूँ सिग्नल दिखाओ ना। मुझे तुम्हारे सारे मायावी अस्त्र देखने हैं। कैसे बालक हो तुम? मैं यहाँ खेल दिखाने नहीं आया हूँ। उस समय व्रत क्यों कर रहे हो ब्रह्मासुर? जो करने आयो वो ही करो ना। अब देखो कैसे तुम्हारे प्राण एक ही वार में इस देह का साथ छोड़कर उड़ जाएंगे। मेरी मायावी अग्नि तुम्हारे भोले भाले से इस मुख को जलाकर भस्म कर देगी। बोला बाला तो दिखता हूँ मैं, मैया भी यही कहती है। उपहार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मासुर, बहुत समय से खड़े खड़े थक गया था मैं। तुम्हारी यही जिज्ञासा आज तुम्हारा अंत करने में सहायक बनेगी मूर्ख बालक।
अच्छा, पर प्रक्षालन करना चाहती थे, तो पहले क्यों नहीं बताया? मुस्कुराना बंद करो, तुम्हारी ये हंसी मुझे कांटों की तरह चुभ रही है। पर मैया तो कहती है कि मेरी मुस्कुराहट फूलों की तरह है। बिल्कुल इन्हीं फूलों की तरह है। और तुम कर क्या रहे हो अम्मा सर? कभी आसन दे रहे हो, कभी पद प्रक्षालन कर रहे हो, और अब फूल भी चढ़ा दिए। तुम मुझ पे वार करने आए हो कि पूजा करने? तुम्हारी पूजा तो मैं अब ऐसी करूंगा कि तुम मृत्यु के बाद भी मुझे भूल नहीं पाओगे बालक। काना, ये चट्टान तो मुझसे हिल ही ना रही। अभी कंदरा के अंदर कुछ क्षणों में ही प्राण वायु समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे सारे सखा एक एक कर अपने प्राण त्याग देंगे और तुम्हारा वध करूंगा मैं। अरे सज्जन बच के रहना। छलिया आया होए वृंदावन में। क्या हुआ? अरे छलिया क्यों है वृंदावन में? मायावी छलिया। अरे क्या हुआ? कौन छलिया? मायावी छलिया, सबको छलता है वो। हाँ, कुछ भी कर सके है वो। बहुत भयानक। अरे भानु ठहर जरा, क्या हुआ? बहुत भयानक है वो, बच के रहना सब लोग। अरे भेज बदल ले तो है वो। हाँ। क्या होगा? छलिया है वो। अरे मेरी बात तो बताओ। रानी भाभी, रानी भाभी, कान्हा घर पर ही है ना? ऐसे भड़बड़ा क्यों रहे हो? कोई भूत देख लियो है क्या? भूत ना भाभी, छलिया से भेंट हो गई। सच्ची का माया भी छलिया है भाभी। क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो, ठीक से बताओ। अब बोलो भी। वो कान्हा के पीछे पड़ो है वो। मेरे लल्ला के पीछे? हाँ रानी भाभी, हमारे अचेत होने से पहले हमने उसे जय कहते सुना था कि वो वृंदावन आने वाला है कान्हा से मिलने। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। जसोदा जी, जी मायावी छलिए से बचना बालकों के बस की बात ना है। जी जी, बालक वन में अकेले हैं। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। ताऊ, अपनी क्षमता अपना सामर्थ्य स्मरण करो। पहले कि वो कंदरा का द्वार खोल के तुम्हारे सखाओं को बाहर निकाले, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा कृष्ण।
सच वरन आया वो मसूर। बहुत समय पहले की बात है, बहुत बड़े भूमा कर राज करते थे तुम। तुम्हें मान राजा भीमम के नाम से जाना जाता था। सब कुछ था तुम्हारे पास, पर शांति नहीं थी। इसीलिए शांति की खोज में अपना संपूर्ण राज अपने पुत्रों को सौंप कर मले पर्वत की ओर चल दिए। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद तुम्हारे तप की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी और फिर सच्चे तपस्वी की धूप में तुम्हारी ख्याति से प्रभावित होकर महर्षि उलट तुमसे भेद करने आए। राजा भीमरथ, आपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर अपना अभिमान नहीं छोड़ पाए। इसीलिए मेरे आगमन पर सम्मान के साथ खड़ा होना तो दूर, मेरा अभिवादन भी नहीं किया। अभिमान तपस्वी का गुण नहीं होता है राजन, अभिमान राक्षसी गुण है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अगले जन्म में एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे, एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर शांति की खोज में आया था। अपने भीतर के संसार में गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी भूल का आभास प्रायश्चित की ओर पहला पग होता है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु आपको एक वचन अवश्य दे सकता हूँ। जब भी प्रभु नारायण का अवतार होगा, आपको उचित समय पे वो वरदान देंगे जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे पता चल गया है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मुझे वो शांति प्रदान कीजिए जिसकी खोज में मैं वर्षों से भटक रहा हूँ। शांति तो मोक्ष में ही है, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। प्रभु की ये लीला सदैव स्मरण रखी जाएगी। इस स्थान को इनका आशीर्वाद मिलेगा और इस कंदरा को व्योमासुर की कंदरा के रूप में पहचाना जाएगा। भविष्य में अनेक ऋषि मुनियों की शरण स्थली बनेगी ये कंदरा। जी, ये कोई साधारण बालक ना है। ऐसा चमत्कार कोई साधारण बालक थोड़ी ना कर सकते है। तुम सत्य कह रहे थे बलराम, गाना सच्ची में भगवान ही है। तभी तो सब देवता इसे बसाने और इसकी ओर से युद्ध करने आते हैं। तुम सब ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे होंगे? बलराम तुम बलवान हो और गाना भगवान है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.